क्या आप जानते हैं कुतुब मीनार क्यों बनाया गया था? इस मस्जिद का नाम क्या है? ये कब्र किसका है? इस मदरसे में क्या पढ़ाया जाता था? अगर इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखते रहे लास्ट तक। हेलो फ्रेंड्स, कुतुब मीनार में आपका स्वागत है। हम एंट्री कर चुके हैं। हम पहले आपको कुतुब मीनार दिखाएंगे, फिर उसके नॉर्थ साइड में जो चीज़ें हैं वो दिखाएंगे, फिर साउथ साइड दिखाएंगे, फिर आपको पीछे वाला साइड दिखाएंगे। कुतुब मीनार ईंटों से बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72 मीटर है। इसमें चढ़ने के लिए 389 सीढ़ियाँ हैं। चलिए हम नज़र डालते हैं हिस्ट्री में। दिल्ली सल्तनत के पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया था। इसको बनवाना शुरू किया था 1199 में, जबकि एक ही मंजिल बना था। 1210 में उनकी मौत हो गई। फिर उनके बाद उनके दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश सुल्तान बने। इन्होंने कुतुब मीनार को बनवा के तैयार किया। इन्होंने इसका दूसरा, तीसरा और चौथा मंजिल बनवाए। फिर आगे चल के 1326 में एक भूकंप आया, जिसमें इसके कुछ हिस्से को बहुत नुकसान पहुंचा। फिर इसका मरम्मत कराया सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर 1368 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इसका पांचवा मंजिल बनवाए। फिर आगे चल के 1505 में एक भूकंप आया, उसके बाद इसका मरम्मत कराया सुल्तान सिकंदर लोधी ने। फिर 1803 में एक भूकंप आया, उसके बाद इसका मरम्मत किया गया 1828 में। ब्रिटिश आर्मी के मेजर रॉबर्ट स्मिथ्स ने इसका मरम्मत कराया था और इसके ऊपर एक गुंबद भी बनवाया था। फिर आगे चल के 1848 में गवर्नर जनरल हार्डिंग ने इसको नीचे उतरवा दिया। यही है वो गुंबद जो रॉबर्ट स्मिथ ने कुतुब मीनार के ऊपर लगवाया था, फिर हार्डिंग ने इसको नीचे उतरवा दिया। अभी ये कुतुब मीनार के ईस्ट साइड में रखा हुआ है, आप आएंगे तो देख पाएंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम। इस मस्जिद को सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में बनवाना शुरू किया, जो कि बनके तैयार हुआ 1198 में। इसी मस्जिद का मीनार है कुतुब मीनार। चलिए अंदर चलते हैं, मस्जिद के अंदर देखते हैं कैसा बना है। शाम का वक्त है, सूरज डूबने ही वाला है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे घूम रहे हैं। अब देख सकते हैं मस्जिद के अंदरूनी हिस्सा कितना सजाया गया है। बहुत सारे पिलर्स देख रहे हैं आप। मस्जिद के बीच आप देख सकते हैं ये है आयरन पिलर। इसके बारे में किताबों में पढ़े थे, आज अपने नज़र के सामने देख रहा हूँ। तीसरी चौथी सदी का है ये पिलर, लेकिन अभी तक कोई जंग नहीं लगा है। ये बिल्कुल ओरिजिनल लोहा है। मस्जिद के चारों तरफ ऐसे पिलर्स हैं, ये सारे पत्थर के पिलर्स हैं। आप देखिए, उस ज़माने में मशीन नहीं था, कारीगर लोग अपने हाथों से पत्थर को तराशा और कितना खूबसूरत बनाया, आप देख सकते हैं।
मस्जिद के मेहराब का हिस्सा है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है। मेहराब के नीचे से आप कुतुब मीनार देख सकते हैं। फ्लाइट भी जा रही है ऊपर से। आगे चल के मस्जिद में इजाफा किया गया था। नॉर्थ साइड में अलाउद्दीन खलजी ने इजाफा किया था और साउथ साइड में इल्तुतमिश ने इजाफा किया था। आप देख सकते हैं इजाफा किया गया जगह। ये कब्र सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के हैं। इनका शासनकाल 1210 से 1236। हम अब अंदर जा रहे हैं। अंदर जाने से पहले देख लेते हैं दरवाज़े में। दरवाज़े में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। आपको अगर अरबी पढ़ना आता है तो आप ये पढ़ सकते हैं। अंदर आ गए हैं। ये जो कब्र आप देख रहे हैं ये सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के हैं। ऊपर का हिस्सा देखिए। कहा जाता है कि ऊपर एक गुंबद जैसा था, भूकंप में वो गिर गया। आपको चारों तरफ घुमा के दिखाते हैं। बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। बहुत सारे चीज़ लिखी हुई हैं। चलिए अब बाहर चलते हैं। बाहर जाते ही आपको नज़र आएगा कब्रिस्तान। यहाँ पे बहुत सारे कब्र हैं। चलिए देखते हैं आगे जाके। कब्रिस्तान में आप देख सकते हैं ये सब कब्र है। बहुत सारे कब्र हैं यहाँ पे। ये सारा कब्रिस्तान का हिस्सा है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है यहाँ पे देखिए कब्रिस्तान। आगे देखिए और भी कब्र हैं। एक छोटा सा मस्जिद भी बना है कब्रिस्तान में। इस मीनार का नाम है आलाई मीनार। इस मीनार को सुल्तान अलाउद्दीन खलजी बनवा रहे थे। बनने से पहले ही उनकी मौत हो गई और ये मीनार अधूरा रह गया। कुतुब मीनार के उत्तर साइड में एक बावली भी है। इसमें अभी पानी नहीं है, सूख गया है। आपको दिखाते हैं। ऊपर जाली लगा हुआ है। देखिए नीचे तक दिख रहा है। सूखा है, गंदा पड़ा है बिल्कुल। गुंबद वाला दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं इसका नाम है अलाई दरवाज़ा। इसको सुल्तान अलाउद्दीन खलजी ने बनवाया था। ये मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम का नॉर्थ गेट बनवाया गया था। कुतुब मीनार से बिल्कुल सटा है यह दरवाज़ा। आप देख सकते हैं आलाई दरवाज़ा नज़दीक से देख लीजिए। इसके अंदर इमाम ज़मीन का कब्र है। ये मुग़ल सम्राट हुमायूं के ज़माने के थे। चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं। ये ब्रिटिश ज़माने के घड़ी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है। सूरज के रोशनी के जो साया है उससे यहाँ पे टाइम देखा जाता था। ये मदरसा सुल्तान अलाउद्दीन खलजी द्वारा बनवाया गया था। इस मदरसे में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। उनमें से मशहूर है फिलोसोफी, थियोलॉजी वगैरह। अब मैं आपको पूरा मदरसा दिखाऊँगा। देखिए ये सारे मदरसे के हिस्से हैं। चलिए एक रूम के अंदर घुस के भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे रूम है स्टूडेंट्स रहने के लिए। बड़े रूम है
क्लासरूम, और यहाँ पे एक रूम के अंदर अलाउद्दीन खलजी के कब्र भी है, वो भी आपको दिखाएंगे आगे चल के। ये स्टूडेंट्स का रूम देख लीजिए, छोटा सा रूम है। सामने जो कब्र आप देख रहे हैं, ये सुल्तान अलाउद्दीन खलजी के हैं। ये कुतुब मीनार का दरवाज़ा है, इसी दरवाज़े से अंदर जाते थे पहले लोग और सीढ़ी से ऊपर चढ़ते थे, लेकिन अब अंदर जाना अलाउड नहीं है, दरवाज़ा बंद है। कुतुब मीनार के एंट्री गेट से एंट्री करते ही राइट साइड में एक मस्जिद दिखेगा, इस मस्जिद का नाम है मुग़ल मस्जिद, और एक गार्डन दिखेगा, गार्डन का नाम है मुग़ल गार्डन। आप कुतुब मीनार का एड्रेस स्क्रीन में देख सकते हैं, कुतुब मीनार सेठ सराय मेहरौली न्यू दिल्ली दिल्ली 110030। टाइमिंग की बात करें तो ये डेली सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। टिकट आपको ऑनलाइन 35 एंड ऑफलाइन 40 रुपीज़ में मिल जाएगा। आपको कुतुब मीनार आने का रूट बता दूं, आप अगर बस से आना चाहते हैं ओखला से, तो सुखदेव विहार से कुतुब मीनार के लिए आपको बस नंबर 534 मिल जाएगी, और अगर आप नोएडा सेक्टर 37 से आना चाहते हैं तो कुतुब मीनार के लिए आपको 34 नंबर बस मिल जाएगी। आपको बदरपुर बॉर्डर से मिल जाएगी 717 और 34, और पुरानी दिल्ली से 502, और IDI एयरपोर्ट टर्मिनल 2 से लाडोसराय तक 534A। ये लाडोसराय बस स्टॉप कुतुब मीनार से ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है। अगर आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो आप नोएडा बोटानिकल गार्डन या ओखला से आना चाहते हैं तो हौज़ खास तक के लिए आपको मेजेंटा लाइन लेना पड़ेगा, फिर हौज़ खास में आकर आपको चेंज करना पड़ेगा, कुतुब मीनार के लिए येलो लाइन लेना पड़ेगा आपको। अगर आप बदरपुर बॉर्डर से मेट्रो से आना चाहते हैं तो आपको 2 बार चेंज करना पड़ेगा, पहले आपको बदरपुर बॉर्डर से कालकाजी तक के लिए वायलेट लाइन लेना पड़ेगा, फिर आपको कालकाजी टेंपल से चेंज करके हौज़ खास के लिए मेजेंटा लाइन लेना पड़ेगा, फिर हौज़ खास में चेंज करके आपको कुतुब मीनार के लिए येलो लाइन लेना पड़ेगा। IGI एयरपोर्ट से न्यू दिल्ली के लिए एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन लेंगे, फिर न्यू दिल्ली में चेंज करके कुतुब मीनार के लिए येलो लाइन लेंगे, और अगर आप पुरानी दिल्ली से आना चाहते हैं तो चांदनी चौक से कुतुब मीनार के लिए येलो लाइन लेके आ सकते हैं। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज कुतुब मीनार में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे हिस्ट्रिकल प्लेस में।